माय चैनल ब्यूटी विद शिवी। मैं शिवानी, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि होली का त्यौहार आने वाला है और होली मोस्टली लोगों का सबसे फेवरेट त्यौहार होता है, स्पेशली बच्चों का तो सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है क्योंकि बच्चों को रंग बिरंगे कलर सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। होली में नई नई मिठाइयाँ, गुजरिया, पपड़िया खाना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और इंजॉय करना भी काफ़ी अच्छा लगता है। बट होली खत्म होने के बाद जो आपकी स्किन, हेयर एंड बॉडी पे जो कलर रह जाता है वो बहुत अजीब लगता है। इसलिए जब भी आप होली खेलने बाहर जाएं या घर पर खेलें तो अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपकी स्किन, बॉडी एंड हेयर पे जो भी प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में कलर्स आ रहे हैं उसमें केमिकल मिला होता है। तो आप कोशिश करें कि आप हर्बल कलर ही यूज़ करें, क्योंकि केमिकल वाले कलर जल्दी नहीं छूटते। हर्बल कलर तो आपकी बॉडी से जल्दी चले जाते हैं बट केमिकल वाले कलर इतनी जल्दी रिमूव नहीं होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप होली के रंग अपनी स्किन से कैसे निकाल सकते हैं, एंड अगर आपको नहीं पता है कि आप होली के रंगों को कैसे अपनी स्किन से रिमूव करें तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी रेमेडीज शेयर करूंगी जिसकी हेल्प से आपकी स्किन, बॉडी एंड हेयर से होली के कलर्स इजीली निकल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर ज़रा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट बातें। अगर आप होली खेलने बाहर जा रहे हैं या घर पर भी खेल रहे हैं तो आप सनस्क्रीन लोशन भर भर कर अपनी बॉडी और अपनी स्किन पर ज़रूर अप्लाई करें और 5 मिनट तक मसाज करें जब तक वो आपकी स्किन पर पूरी तरीके से ऑब्जर्व ना हो जाए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन सन रेज, पोल्यूशन एंड कलर से डैमेज होने से बचेगी। सेकंड, आप अपने नाखूनों में ऑलिव ऑयल से मसाज करें। इससे क्या होगा कि आपके नाखूनों में जो रंग भर जाते हैं वो रंग नहीं भरेंगे। थर्ड, जो मोस्टली लोगों को मालूम होगा कि कलर खेलने जाने से पहले भर भर कर हेयर पे, बॉडी पे, स्किन पर ऑयल ज़रूर अप्लाई करें। इससे आपकी स्किन पर कलर चढ़ेगा नहीं और जल्दी ही रिमूव हो जाएगा। फोर्थ, केमिकल वाले कलर से बचें, हर्बल कलर एंड ड्राई कलर का ही यूज़ करें। इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके साथ जो खेल रहा है उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिफ्थ एंड लास्ट, आप कोशिश करें कि अगर आप कलर खेल रहे हैं और आपकी आंखों में कलर चला जाता है तो आप तुरंत क्लीन वाटर और प्लेन वाटर की हेल्प से उसे वॉश कर लें। जल्दी जल्दी में कलर वाले पानी से अपने आंखों को ना धुलें एंड बॉडी, स्किन, हेयर पर बहुत देर तक कलर ना रहने दें। जैसे कि अगर आप कलर खेल रहे हैं तो आप उसे तुरंत ही वॉश करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत देर तक कलर अगर आपकी बॉडी, स्किन एंड हेयर पर रहेगा तो वो आपकी स्किन को डैमेज भी करेगा और वो जल्दी छूटता नहीं है। होली के कलर को रिमूव करने के लिए सबसे पहले मैं 1 टेबल स्पून मिल्क लूँगी। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून पका हुआ पपीता, मैंने इसे पेस्ट जैसा बना लिया है, अब मैं इसे इसमें डालूँगी एंड 1 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी लूंगी। एंड मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑलमंड ऑयल डालूंगी। यहाँ पर मैं बादाम रोगन का ऑलमंड ऑयल यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी ऑलमंड ऑयल अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकती हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। मिल्क आपको मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा, पपाया ग्लोइंग प्रोवाइड करेगा एंड मुल्तानी मिट्टी में लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं जो आपकी स्किन को लाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग बनाने में आपकी हेल्प करेगा एंड ऑलमंड ऑयल कलर्स को रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप अपने फेस, बॉडी पर अच्छी तरीके से लगा लें और 10 से 15 मिनट तक लगे रहने दें। उसके बाद आप प्लेन वाटर की हेल्प से इसे रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाती हूँ। आप इसे ऐसे लगा लीजिएगा। इसमें ऑयल है इसलिए ये
पूरी तरीके से ड्राई नहीं होगा और जब ये 10 से 15 मिनट बाद आपको हल्का हल्का सा सूखना जैसे यानी ड्राई जैसा लगे तो आप इसे हल्का मसाज करके फिर रिमूव करिएगा। होली के रंगों को रिमूव करने के लिए आप कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं यानी कि नारियल का तेल। नारियल के तेल में मॉइस्चर होता है, वो आपकी स्किन और बॉडी को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा और उससे इजिली आपकी स्किन से कलर निकल जाता है। कोशिश करें कि जब भी आप कोकोनट ऑयल यूज करें तो होली का कलर खेलने से पहले यूज करें, उसके बाद यूज करने से वो जल्दी नहीं छूट तो जाएगा बट थोड़ा सा टाइम लेगा। सेकंड, अगर आप होली के कलर को रिमूव करना चाहते हैं तो दही, बेसन एंड लेमन का यूज करें। इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें एंड अपने पूरे बॉडी स्किन पर इसे अप्लाई करके 5 मिनट तक मसाज करें, क्योंकि दही में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं एंड लेमन में भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके कलर्स को रिमूव करने में हेल्प करेंगी। होली के कलर को रिमूव करने के लिए आप संतरे के छिलके का पाउडर एंड मसूर की दाल का पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। संतरे के छिलके, जैसे कि आपको मालूम है कि संतरे का पील पाउडर जो होता है वो आपके कलर को डिफाइन करने में यानी आपके कलर को ग्लोइंग भी बनाता है और आपकी डैमेज स्किन को रिपेयर करने में भी हेल्प करता है। इससे आप इसको उपटन की तरह यूज करेंगे पूरे बॉडी एंड स्किन पर तो आपका कलर जल्दी रिमूव हो जाएगा। होली के कलर को रिमूव करने के लिए आप खीरा का रस, गुलाब जल एंड सिरका पाउडर तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके पेस्ट बना लें एंड अपने पूरे बॉडी एंड स्किन पर अप्लाई कर लें। इससे भी आपका कलर इजली ही रिमूव हो जाएगा। खीरा में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, गुलाब जल में मॉइस्चर प्रॉपर्टी होती है एंड सिरका का जो पाउडर है वो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। ये तीनों चीज़ें आप मिक्स करके लगाएंगे तो आपका कलर जल्दी ही रिमूव हो जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं आप उसे जरूर फॉलो करिएगा अपने होली के कलर को रिमूव करने के लिए। अगर वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। बगल में जो रेड बटन है उसे हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, चाहने वालों के साथ इस वीडियो को मेरे शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।